तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पावर बैंक दिख रहा है, ठीक है गाइस। ये ख़राब है यार, देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पर देखो ये कुछ चार्जिंग इस प्रकार होती है, देखो यहाँ पर एक यूएसबी लग जाती है, यहाँ पर ये चार्जिंग जैक है और यहाँ पर ये इंडिकेटर शो होता है कितनी बैटरी हमारी चार्ज, और ये हमारी ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी रहती है और ये कैसे काम करती है, क्योंकि गाइस ये ख़राब है। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, प्लीज़ आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। अब गाइस यहाँ पर देखो यार, ये खुलेगा कैसे, आप लोग देख सकते हो यहाँ से खुलेगा, तो यहाँ से हम लोग खोलेंगे इसे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये यहाँ से खुलता है, तो इसे हम लोग यहाँ से खोलेंगे, चपका रहता है क्योंकि गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग ये खुलने वाला है, यहाँ पर मैंने इसे गर्म करके ऐसे कर लिया, देखो गाइस यहाँ पर ये खुल रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस। देखते हैं इसके अंदर कितनी बैटरी लगी है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी छोटी छोटी बैटरी इसमें लगी, देखो यार कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं पावर बैंक वाले, देखो पैसे लूटते हैं, 1000-2000 रुपए का मिलता है पावर बैंक। और गाइस देख सकते हो यार कौन सी बैटरी इसके अंदर डाल रखा है, छोटी छोटी नोकिया वाली बैटरी, आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो इसमें ये बैटरी ख़राबी है गाइस, इस कारण यहाँ पर ये जो पावर बैंक है नहीं चल रहा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इनकी जगह पर एक अच्छी बैटरी लगाएंगे, तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर इनकी जगह पर मैं कौन सी बैटरी लगाने वाला हूँ आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। अच्छी वाली बैटरी यहाँ पर लगाएंगे जो इसमें बैकअप दें, तो यहाँ पर हम लोग ये बैटरी लगाएंगे इसमें, ये MI की बैटरी इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये देखो एक बैटरी ये लगाएंगे, ये हो जाएगी MI वाली, एक बैटरी और लगाएंगे गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कौन सी बैटरी लगाने वाले हैं, तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो एक ये बैटरी लगाएंगे, लग जाएगी तो दो बैटरी लगाएंगे, नहीं लगेगी तो सिर्फ हम लोग ये MI वाली बैटरी लगा देंगे, और एक यहाँ पर छोटी बैटरी लगा देंगे क्योंकि इसमें एक छोटी बैटरी दी है ना लगाने के सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग छोटी बैटरी भी लगा देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार कंपनी वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे ठगते हैं। 1000 रुपये का पड़ा हो इसमें, देखो यार 100-100 रुपये की बैटरी दो डाल दिए और यहाँ पर सर्किट 200-250 का हो गया और इसका कवर 250-250 का हो गया, आप लोग समझ सकते हो गाइस ऐसे पैसे लूटते हैं यार। अब यहाँ पर हम लोग ये जो ये MI वाली बैटरी है यहाँ पर हम लोग इसे लगाएंगे पावरफुल, ठीक है गाइस। तो चलो फटाफट हम लोग इसमें जो बैटरी लगी है उन्हें निकाल लेते हैं। और गाइस प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और गाइस मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आप लोग घर पर पावर बैंक कैसे बनाओगे, क्योंकि गाइस आप लोग समझ सकते हो बरसात आ रही है, दिन प्रतिदिन अब बिजली ख़राब होगी। चलो गाइस यहाँ पर फटाफट हम लोग इन बैटरी को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पहले हम लोग यहाँ पर टेप जो लगा इसे हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर टेप लगाया गया है, ये बैटरी हमारी इधर इधर सरके ना, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग दूसरा टेप लगा लेंगे मेरे पास, क्योंकि टेप बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इन बैटरी को निकाल लेते हैं, क्योंकि गाइस यही बैटरी ख़राब होती है पावर बैंक में और कुछ नहीं ख़राब होता है। मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। और इसे हम लोग बहुत ही पावरफुल बनाएंगे पावर बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगाएंगे जो ज़्यादा बैकअप दें, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मैंने सारा टेप वेप यहाँ पे निकाल लिया है ऐसे करके, ये मैंने यहाँ पे सारा टेप यहाँ पे क्लीन कर दिया, ठीक है गाइस। ये देखो ये, अब यहाँ पर हम लोग ये वायर को कट कर देंगे ऐसे करके, ये दोनों वायर को अब यहाँ पर चेक करेंगे इसमें कितनी बैटरी लग जाएंगी, ठीक है गाइस। दो बैटरी ये लगी थी, आप लोग देख सकते हो यार कितनी छोटी सी बैटरी लगी थी, देखो यार पैसे कैसे ठग रहे हैं कंपनी वाले, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक ये बैटरी लगाएंगे, देखते हैं ये आ जाएगी, ठीक है। एक ये वाली देख लेते हैं आ जाएगी तो ठीक है, दोनों लगा देंगे और इसे हम इधर करेंगे। गाइस ये वाली तो हमारी बैटरी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई और दूसरी बैटरी यहाँ पर छोटी लगा देंगे, ठीक है गाइस। इसमें हम छोटी बैटरी लगा देंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बैटरी हैं गाइस, तो यहाँ पर हम लोग ये वाली बैटरी एक लगा देंगे, ये दो बैटरी लगा देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी बैटरी चार्ज है नहीं, ठीक है, दोनों बैटरी। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हम लोग DC20 पे कर लेंगे और यहाँ पर दोनों बैटरी को चेक करेंगे हमारी बैटरी चार्ज है नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बैटरी हमारी डेड है, देखो 1% भी नहीं चार्ज है। अब यहाँ पर ये हमारी जो MI वाली बैटरी इसे हम लोग चेक करेंगे ये चार्ज है नहीं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग इसका सर्किट ऐसे करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है गाइस। सर्किट बाहर कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दो दिए होते हैं पॉइंट, उन्हीं में हम लोगों को ये लगाना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग ये सर्किट को बाहर करते हैं यहाँ ऐसे करके,
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने सर्किट को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो पॉइंट दिए रहते हैं, एक ये, अब इनमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस और हमारी बैटरी चार्ज है नहीं। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारी बैटरी चार्ज, ये वाला पॉइंट हमारा प्लस वाला है, ये पॉइंट हमारा माइनस वाला। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग और इसकी जगह पर दूसरी बैटरी लेंगे, क्योंकि बैटरी यहाँ पर हम लोग अच्छी लगाएंगे, बैटरी हमारी ख़राब ना हो, तो यहाँ पर हम लोग दूसरी बैटरी लगाएंगे। ठीक है, इस आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ मेरे चैनल से सीखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस भी बैटरी का यहाँ पर मैं सर्किट निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये मैंने निकाल लिया सर्किट, क्योंकि इनका कोई काम नहीं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे ये हमारी बैटरी चार्ज है नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी बैटरी चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर जो सर्किट लगा रहता है गाइस वो ख़राब हो जाता है, उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर देखो हमारी बैटरी चार्ज है, ये वाला हमारा प्लस हिस्सा है, ये वाला हमारा माइनस हिस्सा है। अब गाइस इन दो बैटरी को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर फटाफट हम लोग सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेस्ट लगा लेना है, जहाँ पर भी आप लोग सोल्डिंग करें आपको पेस्ट लगा लेना है ऐसे करके। देखो ये पेस्ट है, यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग पेस्ट लगाएंगे, ये ऐसे मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगाएंगे, ये हमारा निगेटिव पॉइंट, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगाएंगे, ये दो पॉइंट है, यहाँ पर ये प्लस वाला है और ये हमारा माइनस वाला। ऐसे करके अब यहाँ पर देखो एक वायर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे इस बैटरी के प्लस वाले पे, एक वायर ये बच रहा तो हम लोग इस बैटरी के प्लस वाले पे जोड़ेंगे, और सोल्डिंग आयरन आपको हीट कर लेना। ठीक है गाइस, गाइस देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे चैनल से, क्योंकि मैं वीडियो को कुछ भी कट नहीं करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये सोल्डिंग नहीं कर रहा है, तो चलो हम लोग यहाँ पर करते हैं। गाइस यहाँ पे सोल्डिंग नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जो बैटरी का प्लस वाला पॉइंट इन कंपोनेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, इस कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ये जो बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है और यहाँ पर कहाँ पर आता है इन कंपोनेंट में, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बजर मोड में कर लिया, बीप मोड में, यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर बैटरी का प्लस वाला पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर देखो बैटरी का निगेटिव वाला पॉइंट आ रहा है। देखो इन दोनों पॉइंट से आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो, ये प्लस वाला पॉइंट है। ठीक है गाइस, ये देखो अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है गाइस, देखो जुड़ चुका है। एक बार हम लोग और अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे पेस्ट लगाकर, ये मैंने पेस्ट लगा लिया है और यहाँ पर ये जो रंगा गिर गया है इसे हम लोग यहाँ पर ले लेते खींच लेते हैं। ये गाइस हो चुका है, अब यहाँ पर हम लोग ये निगेटिव वाला करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे वायर निकाल लेंगे, इसका भी मैं वायर निकाल लेता हूँ आराम से, इसका भी वायर निकाल लेते हैं, ये हो गए। ठीक है, अब सारे वायर पे हम लोग पेस्ट लगा लेंगे। जब भी आप लोग सोल्डिंग करना तो आपको सारे वायर पे पेस्ट लगा लेना ऐसे करके, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ये माइनस वाला एक हिस्सा यहाँ पर जोड़ेंगे ये वाले पॉइंट पे, गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सोल्डिंग कर दिया। अब इसी प्रकार हम लोग इस बैटरी पे जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ये वाला हमारा माइनस वाला हिस्सा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस वाला जोड़ेंगे यहाँ वाला इस पॉइंट पे ऐसे करके। देखो गाइस यहाँ पर माइनस वाला मैंने सोल्डिंग कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग प्लस वाला जोड़ देंगे। और गाइस देखो जैसे सोल्डिंग ना हो, यहाँ पे नहीं हो रहा है सोल्डिंग, तो आपको करना क्या होगा, रेती की मदद से या रेग मार की मदद से आपको यहाँ पर इसे रेत कर देना, मतलब रब कर देना। ठीक है, रगड़ लेना है गाइस, फिर हो जाएगा सोल्डिंग। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सोल्डिंग इसमें भी हो चुका है,
देखो यहाँ पे नहीं हो रहा अच्छी तरह से इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम लोग रेटिंग मदद से रेग मार्क कर लेते हैं, फिर सोल्डिंग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलो फटाफट यहाँ पर मैं रेटिंग मदद से रेग मार्क कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो बैटरी मैं पहले लगा रहा था गाइस, ये मुझे बैटरी फूली थोड़ा दिख रही है, इसलिए इस बैटरी को मैं चेंज कर दूंगा, इसे नहीं रखूंगा, क्योंकि गाइस हम लोग पावरफुल बनाने वाले हैं पावर बैंक, तो इसे हम लोग रख देंगे घर में, और इसकी जगह पर हम लोग ये बैटरी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये न्यू बैटरी है और गाइस ये बहुत ही पावरफुल है, लावा कंपनी की है और ये ज़्यादा चलेगी। और यहाँ पर देखो ये दो वायर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर देखो ये दोनों वायर इसमें छोटे पड़ेंगे क्योंकि इसके प्लस माइनस इधर है, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे ये जो हमारी बैटरी चार्ज है नहीं। ठीक है गाइस, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोग खराब पावर बैंक को कभी फेंकना मत। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है, 4 वोल्टेज के आसपास है। अब यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार सोल्डिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये वायर को हम लोग बाहर कर लेंगे, इसकी जगह पर ये वायर जोड़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम लोग इन वायर को यहाँ पर बाहर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगाएंगे इन दोनों वायर पे ऐसे करके, ये गए ठीक, पेस्ट लग गया। अब इसी प्रकार हम लोग इस बैटरी में कनेक्शन कर देंगे, प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे कर देंगे। देखो यहाँ पर ये वाला प्लस वाला है, आपको दिख रहा है हिस्सा, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग प्लस वाला कर देंगे इस पे, ये मैंने प्लस वाला कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस वाला कर देंगे, देखो ये हो चुका माइनस वाला। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने कर दिया सोल्डिंग, देख सकते दोनों बैटरी के प्लस प्लस एक तरफ, दोनों बैटरी के माइनस माइनस एक तरफ। गाइस यहाँ पर हम लोग इस प्रकार इसे ढक देंगे, कस देंगे। ठीक है गाइस, ऐसे करके ओके गाइस, ये हो चुका। ठीक गाइस, ये वायर देखो यार छूट चुका है, इसे हम लोग और अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर हुआ नहीं क्योंकि अच्छी तरह से सोल्डिंग आपको ज़रूर अच्छी तरह से कर देना है गाइस, ठीक है, कोई वायर छूटे ना, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करके आपको टाइट करके देख लेना वायर को खींच के, वायर अच्छी तरह सोल्डिंग है ना। ठीक है गाइस, यहाँ पे सोल्डिंग हो चुके हैं दोनों वायर, अब इसे हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर ऐसे कर देंगे। और गाइस हो सके तो आप लोग इसके अंदर टेप लगा लीजिए। चलो यहाँ पर मैं थोड़े टेप मार देता हूँ गाइस, क्योंकि बैटरी हमारी सरके ना इधर उधर, तो यहाँ पर हम लोग व्हाइट वाला टेप मारेंगे जो इसमें लगा था गाइस, वही टेप हम लोग यहाँ पर मार देंगे और फिर हम लोग उसी प्रकार इसे कस देंगे। तो गाइस इस प्रकार हम लोग पावर बैंक को बना सकते हैं घर में। जैसे आपके पास ख़राब पावर बैंक पड़ा है तो आप लोग उसे ख़राब समझ कर फेंकना मत। ठीक है गाइस, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने इसे बनाया है, एक बार हम लोग इसके टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे कोई डाटा केबल और फ़ोन लगाएंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं चार्ज करता नहीं, और इसे हम लोग बाद में कस लेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो इस यहाँ पर मैंने ये बटन को प्रेस किया, आप लोग देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर शो होने लगा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं अच्छी तरह सेट कर लेता हूँ, देखो गाइस इंडिकेटर शो हो रहा है, इसका मतलब इसमें अभी दो पॉइंट लाइट दो जल रही, देख सकते हो गाइस इसमें दो लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, अभी बैटरी हमारी फुल नहीं चार्ज है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग ये लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया डाटा केबल। ठीक है गाइस, और गाइस इसे हम लोग बाद में कस लेंगे, क्योंकि कसने में थोड़ा समय लगेगा, मैं इसे कस कस लूँगा, आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, देखो मेरे पास एक ये फ़ोन है और यहाँ पर देखो मैं इसमें लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया गाइस, देखो ये चार्ज होने लगा, देखो 13% है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखो दो इंडिकेटर भी शो हो रही है। तो गाइस आप लोग इस प्रकार घर में पावर बैंक बना सकते हो, अब देखते हैं ये कितनी देर में यहाँ पर चार्ज कर रहा है। और प्लीज़ गाइस जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना गाइस। ये 13% है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर पास से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देना चाहता हूँ, देखो 13% है। ठीक है, और देखो 5:57 है, अब देखते हैं कितने देर में ये कितना परसेंट चार्ज करता है। देखो 5:57 और 13% चार्ज है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे रख देंगे और फिर हम लोग इस पावर बैंक को चार्जिंग में लगा देंगे, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग पावर बैंक बना सकते हैं घर में। जैसे आपके पास खराब पावर बैंक पड़े हैं तो आप लोग खोल कर इस प्रकार बना लीजिए, क्योंकि गैस उसमें बैटरी खराब होती है और कुछ नहीं खराब होती। तो गाइस लगभग यहाँ पर 1 या 2 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं कोई परसेंट ये हमारा पावर बैंक चार्ज कर रहा है या नहीं। ठीक है, इस परसेंट कोई बढ़ा नहीं। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5:57 में मैंने इसे लगाया था चार्जिंग में, समय था। ठीक है गाइस, और यहाँ पर 13% चार्ज था। तो देखते हैं गाइस, देखो गाइस 1% यहाँ पे चार्ज हो चुका, देखो 14% हो चुका, आप लोगों को दिख रहा होगा। और गाइस यहाँ पर मैं आपको समय दिखा देना चाहता हूँ कितना, देखो 6 बज गया, मतलब गाइस इसमें दो
मतलब 2 मिनट के अंदर ये 1% चार्ज कर रहा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब पावर बैंक हमारा वर्क कर रहा है। जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसे पैक करके उसी प्रकार कस दूंगा, जैसे मैंने खोला उसी प्रकार मैं कस दूंगा।